नवरात्र के पर्वों में लोग जगह जगह पर मूर्तियां रखते हैं, इसलिए मूर्तियों का मैं विरोधी नहीं हूं। मैंने कहा है कि मूर्ति पूजा को जो स्वीकार नहीं करता वह नास्तिक है, अधर्मी, चाहे पहले कोई ऋषि रहा हो, वह अज्ञानी था, ज्ञानी नहीं था। चाहे बड़े बड़े ऋषि रहे हो, जिन्होंने मूर्ति पूजा को अस्वीकारा है, नकारा है, उनकी कभी चेतना शक्ति नहीं जागृत हुई, भले उन्होंने एक समूह को जोड़ लिया हो। आप तो समूह को जोड़ अधर्मी अन्याय भी जोड़ लेता है। कोई भी आप क्रम ले ले, कुछ ना कुछ समाज तो जुड़ ही जाएगा। वही जिस तरह अनेकों ऋषियों का आज सम्मान किया जाता है, मगर जो मूर्ति के विरोधी थे, मैं चैलेंज के साथ मंच पर बैठकर कह रहा हूं, अगर मेरे बाद अगर कभी भी किसी की कुंडली चेतना जागृत होगी तो वह देख सकेगा कि उन मुनियों और ऋषियों के पास जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, उनकी चेतना शक्ति, उनकी कुंडली चेतना जागृत नहीं थी। चिंतन भले देते रहे, समाज को जागृत करते रहे, समूह बनाते रहे, भले उनका आज चाहे जितना मान सम्मान आदर किया जाए, मगर जो सत्य को अस्वीकार कर देते हैं वो सत्य का ज्ञान नहीं रखते कि हमारे लिए मूर्ति पूजा कितनी महत्वपूर्ण है। मैं कह दूं मुझे आवश्यकता नहीं है, मगर इन्हीं कड़ियों से आगे मैं भी बढ़ा हूं। जड़ चेतन, जो प्रकृति सत्ता के तीनों चीजें हैं, जड़ चेतन और जीव, ये प्रकृति सत्ता के बनाए हुए हैं। बाहर जो कुछ दिखेगा तीन रूपों में ही दिखेगा, जीव, जड़ और एक चेतन, चाहे गेहूं का अंकुर हो, पेड़ पौधे, इनमें जीव शब्द जो रहता है, आप सभी साकार रूप में हैं, चेतन तत्व तो रहता है जिसमें हम देखते हैं कि कोई ना कोई चेतन शक्ति इनके बीच से कार्य कर रही है। एक जड़ चीजें रहती हैं जिन्हें हम पत्थर के रूप में मानते हैं, मगर इन तीनों में प्रकट सत्ता समाहित है। इन तीनों को हम साकार स्वरूप में देख सकते हैं, इन तीनों की हम पूजा पाठ करके इनमें उसी तरह की शक्तियों का अर्जन कर सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस उन्हीं मूर्तियों का पूजन करके माँ की काली को प्रसन्न करके माँ काली को उपस्थित करते थे, उनसे बातें करते थे। आने वाले समाज को अनेकों प्रकार की चीज़ों को मैंने एहसास कराया है। जब मेरा सातवां यज्ञ चल रहा था, तीन चार ऐसे भक्त थे, मैंने कहा प्रारंभ में थोड़ा मैं और स्वतंत्रता से इन चीज़ों को छूट दिया करता था। जब मेरा यज्ञ चल रहा था, उन्होंने कहा गुरुदेव जी हम कुछ झलकियाँ देखना चाहते हैं। मैंने कहा जिस समय मेरा यज्ञ चला चुका उस समय तो मैं कहीं इधर उधर देखता भी नहीं, मेरा यज्ञ माँ की छब होती, यज्ञ वेदी होती है, और एक आसन पर बैठ करके सात सात आठ आठ घंटे आती ना, मैं एक जल ग्रहण करता हूँ ना कोई सामग्री किसी मंगाता हूँ। आप तो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, यज्ञ में ये सामग्री ले आओ, वो सामग्री, चारा होती डालेंगे, फिर इधर बैठ जाओ, ऐसा कर लो, ये घी ले आओ। एक बार बैठ जाता हूँ फिर किसी दूसरी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए इतिहास साक्षी है कि अगर किसी को अनेकों दृष्टांत मिलते हैं कि अगर पुष्प खत्म हो गया तो उन्होंने अपनी एक आँख निकाल करके पुष्प समान उसको भेंट कर दी, कि एक बार साधक जब बैठ जाता है चैतन्य भाव से लेकर के तो किसी अन्य सामग्रियां पहले से इकट्ठा कर लेता है। अगर सामग्रियों की कमी होती है तो उस कमी की पूर्ति के लिए अपने शरीर के अंग का दान देना धर्म कर्म कहलाता है, अगर साधना भी सिद्धि प्राप्त करना है।